प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। रविवार का व्रत करने से मिलता है यश, सम्मान और प्रतिष्ठा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है, जिस जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने एवं कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार व्रत का ऐसे करें पूजन, देखिए इस वीडियो के माध्यम से। आपको बता दें कि सूर्य का व्रत एक वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच इत्यादि स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने, तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र जो है स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें, उनका अभ्यर्चन करें, उनसे प्रार्थना करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने, व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें, तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं छः सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला का जरूर से जरूर आप जप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य देव को अर्घ दें। सात्विक भोजन एवं फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाएं, गुड़ का प्रयोग करें। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के बारे में आप सब जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जानिए वह कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी, वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से उस महिला को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस वृद्ध औरत को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। उस औरत ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से वह वृद्ध जो महिला थी अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस महिला ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन उस वृद्ध माता ने नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वृद्ध माता ने भूखी और प्यासी वह सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व उस वृद्ध माता की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जो है वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें जो है वह खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर जो है वह पड़ोसन लेके चली गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में
धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और वृद्ध वो माता के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक वृद्ध माता को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वृद्ध माता को पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का जो है वह व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चलाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर वृद्ध माता ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर वृद्ध माता ने सोने का गोबर देखा, उससे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद वृद्ध माता ने गाय को घर के भीतर जो है वह बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से वृद्ध माता कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई। उस वृद्ध माता के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा जो है वह बहुत ही प्रसन्न हुए, खूब खुश हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी वृद्ध माता को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई, बहुत दया आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, वृद्ध माता की गाय एवं बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ जो है वह टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने प्रातःकालीन उठते ही गाय और बछड़ा वृद्ध माता को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर वृद्ध माता से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें, इस दिन जल दिया करें, इस दिन सूर्य के मंत्रों का जप किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। ऐसा है सूर्यदेव की कृपा। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए आप अपने पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, सूर्य को अर्घ दें, रविवार के दिन निश्चित रूप से सूर्य की उपासना करें। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ उपलब्ध होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।